15 अगस्त को एक नहीं बल्कि दो नए ई स्कूटर की कहानी से उठेगा पर्दा। पहली है ओला इलेक्ट्रिक की, दूसरी सिंपल वन। ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर की बुकिंग शुरू हो चुकी है और 150 से 200 किलोमीटर की संभावित रेंज वाले स्कूटर में 6 किलोवाट की मोटर का इस्तेमाल किया गया है। 15 अगस्त को ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के नाम, कीमत और सर्विस से जुड़ी जानकारी साझा करेगा। वहीं सिंपल वन एक बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और कंपनी की माने तो ये स्कूटर फुल चार्ज 240 किलोमीटर की रेंज देगा और इसमें 4.8 किलोवाट की बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ही स्कूटर की कीमत 1,00,000 रुपए से ऊपर हो सकती है। होंडा कार्स इंडिया ने राजस्थान के टापुकारा में नई अमेज फेसलिफ्ट का उत्पादन शुरू कर दिया है और इसे 18 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। होंडा ने इस गाड़ी के अंदर और बाहर कई सारे बदलाव किए हैं, जैसे कि ग्रिल, हेडलैम्प और प्रोजेक्टर लेंस और साथ ही टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। तकनीकी रूप से गाड़ी में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन विकल्प के तौर पर दिए गए हैं। 2021 टाटा टियागो एनआरजी लॉन्च हो चुकी है। मैनुअल की एक शोरूम कीमत है 6.57 लाख रुपए और ऑटोमेटिक वेरिएंट की एक शोरूम कीमत है 7.9 लाख रुपए। एक्सटीरियर बदलाव में व्हील आर्चेस, बम्पर, अंडरबॉडी और कार के निचले प्रोफाइल में ब्लैक क्लैडिंग का इस्तेमाल। इसके अलावा डुअल टोन एलॉय और ब्लैक रूफ भी अच्छे लग रहे हैं। केवल पेट्रोल इंजन में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया और इसका मुकाबला होगा मारुति सुजुकी की सेलोरियो एक्स और रेनो क्विड जैसी गाड़ियों के साथ। रेनो इंडिया भारत में अपने 10 साल पूरे कर चुकी है और इस अवसर पर काइगर का नया वेरिएंट RXT ओ भारतीय मार्केट में लॉन्च किया गया। इस नए वेरिएंट में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों को 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ उतारा गया। कुछ नए फीचर्स जोड़े गए हैं जिसमें LED हेडलैम्प्स, डायमंड कट अलॉय व्हील और रेडिएंट रेड डुअल टोन कलर स्कीम शामिल है। 2.5 लीटर का एयर फिल्टर और वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी भी जोड़ी गई है। BMW इंडिविजुअल 740 LIM स्पोर्ट एडिशन 1.42 करोड़ की कीमत पर भारत में लॉन्च कर दिया गया है। 7 सीरीज का ये एक नया लिमिटेड एडिशन मॉडल है और इसमें M स्पोर्ट एक्सटीरियर पैकेज और इंडिविजुअल इंटीरियर डिटेलिंग दी गई है। केवल दो ही कलर्स का विकल्प दिया गया है और साथ ही 20 इंच के अलॉय व्हील्स में भी चॉइस दी गई है। वॉल्वो ने अपनी इलेक्ट्रिक SUV XC40 रिचार्ज को भारत में लॉन्च करने का प्लान अगले साल तक के लिए टाल दिया है। इससे पहले वॉल्वो इंडिया ने ऐलान किया था कि XC40 रिचार्ज को 2021 के फेस्टिव सीजन में उतारा जाएगा और उसके बाद हर साल वॉल्वो एक नई इलेक्ट्रिक कार भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी। सेमीकंडक्टर में दुनिया भर में चल रही कमी को इसका कारण बताया जा रहा है। XC40 रिचार्ज सामान्य वॉल्वो XC40 की तर्ज पर कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है और अब 2022 की शुरुआत में CBU के तौर पर इस गाड़ी को भारत में उतारा जाएगा। भारत में एंट्री के 2 साल के बीच ही किया इंडिया ने 3 लाख गाड़ियां बेचने का चमत्कारी आंकड़ा पार करके सबको चौंका दिया है। केवल 3 गाड़ियों की मदद से इस आंकड़े को पार किया गया है और इसमें किया सेल्टोस की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इसके बाद सोनेट और कार्निवल ने भी अपनी अपनी भूमिका को निभाया। इस वक्त भारत में किया के कुल 300 से ज्यादा टच पॉइंट्स हैं और इन टच पॉइंट्स के जरिए किया इन गाड़ियों को बेचती और सर्विस करती है। गाड़ियों के दाम में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है और होंडा भी इसमें शामिल हो चुका है। होंडा की कारें अब 1.12 लाख तक महंगी हो चुकी हैं। होंडा ने अपनी 5th जनरेशन सिटी की कीमतों में 17,000 रुपए, जैज में 11,000, WRV की कीमत में 92,000 तक का इजाफा किया है। सबसे ज्यादा इजाफा देखा गया है होंडा की अमेज डीजल वेरियंट पर, जहाँ पर गाड़ी अब 1.12 लाख रुपए महंगी हो चुकी है। लागत में बढ़ती इनपुट कॉस्ट को इसका कारण बताया गया। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में MG मोटर्स ने जियो से साझेदारी की है। MG मोटर्स को इस साझेदारी से इंटरनेट कनेक्टिविटी में फायदा मिलेगा। कंपनी iSmart कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को हेक्टर से लेकर ग्लॉस्टर तक अपने सभी मॉडल्स के साथ देती है। बहुत जल्द कंपनी अपनी नई कार पेट्रोल पावर ZS को भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। गाड़ियों के दाम बढ़ाने की फेरिस में टोयोटा एक बार फिर शामिल हो गया है और इस बार गाज गिरी है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पर, जिसके पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में करीब 68,000 तक की बढ़ोतरी देखी गई है। टोयोटा की इस MPV कार में 2.7 लीटर का पेट्रोल और 2.4 लीटर के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। इंजन के साथ इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड मिलता है। नई कीमतों के अनुसार
क्रिस्टा डीजल के टॉप वेरिएंट की कीमत अब 24.99 लाख हो चुकी है और वहीं पेट्रोल के टॉप मॉडल की कीमत है 23.14 लाख।